हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज हम घर का ब्लॉग नहीं बनाएंगे गाइस। आज मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे लिए भी सरप्राइज है। ये लेके जा रहे हैं मुझे, तो फैमिली के साथ जा रहे हैं सारे, सब बच्चे जा रहे हैं तीनों और हम दोनों जा रहे हैं। तो मम्मी ने गाइस देखो कितना लेट, ये देखिए कितना फैला हुआ है, बच्चे फैले हुए हैं। या तो शिवू के लिए अब नई सैंडल लेकर आई हूँ अभी, ये देखिए शिवू भी एकदम बढ़िया से। तो गाइस मम्मी ने लेट करवा दिया, 12 बजे जाना था और टाइम देखो कितना बज रहा है। तो चलिए फ्रेंड निकलते हैं हम लोग अब। तो गाइस हम लोग निकल लिए हैं घर से। तो ये देखिए बच्चे बैठे हुए हैं पीछे और क्रिस कैमरे को देखकर मुस्करा रहा है। और ये देखो सर भी नीचे कर लिया उसने। तो गाइस ये शर्माता है कैमरे के सामने आते ही। और हम लोग सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग दो फैमिली जा रहे हैं गाइस, और एक इनके पापा के दोस्त की फैमिली है और एक हम लोग हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो है ना हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, और हमारे इधर बारिश नहीं थी और रास्ते में कहीं बारिश थी और कहीं बारिश नहीं थी। तो गाइस यहाँ पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी, बच्चों के लिए चिप्स वगैरह और बिस्किट वगैरह खरीदे थे। तो ये देखिए सब लोग खा रहे हैं बच्चे, और क्रिस अपना गेम में लगा हुआ है। तो ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और अब बढ़ते हैं अपने आगे ब्लॉग में। चलिए देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, एकदम बिल्कुल सुहाना सा। और यहाँ पर ये देखिए कुछ खास था यहाँ पे, ये रेलिंग देखिए कितनी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने कहा चलो इसको भी रिकॉर्डिंग कर लिया जाए। और के बीच में ग्रिल लगी हुई है और हरी घास लगी हुई है, तो मैंने कहा इसको कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग। और गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं एक रेस्टोरेंट में, ताकि बच्चों को कुछ नाश्ता वगैरह करवा दिया जाए। और यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं कुछ ऑर्डर। तो बच्चों ने ऑर्डर में सिर्फ डोसे के लिए बोला था, तो डोसा वगैरह हम लोगों ने करवा दिया है। और ये देख लीजिए, और ये होटल अच्छा लग रहा है ना गाइस, ये देखिए कितना अच्छा एकदम लाइटिंग लाइटिंग सी इसमें हो रही थी। और यहाँ बैठी है हमारी शिवन्या। शिवन्या ने देखा है कैमरा और ये कर रही है हेलो। और गाइस इस होटल में एक ख़ास बात और थी, जब हम एंट्री करते हैं ना गाइस, तो इसमें फीस के लिए छोटे छोटे जो है टैंक से बने हुए थे, बिल्कुल थोड़े बहुत नेचुरल से घास वगैरह अच्छे से लगा रखी थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये गोल्ड फिश सी थी, ये संतरी कलर की एकदम मछली सी, बहुत अच्छी लग रही थी एकदम देखने में। और यहाँ से पानी मतलब इनके लिए फ्रेश फ्रेश पानी आ रहा था यहाँ से। ये देखिए कितनी सुंदर है, जो बच्चे भी एकदम देख के खुश हो गए थे, बच्चे यहीं पे खड़े हुए थे। और ये देखिए फूल वगैरह के ये सब लगे हुए हैं, मतलब अच्छे से गार्डनिंग वगैरह कर रखी थी यहाँ पे। और हम लोग अब आगे चल दिए हैं अपने सफ़र के लिए। ये देखिए कितना अब थोड़ी शाम सी होने लगी है, और इतना अच्छा लग रहा था गाइस यहाँ पे एकदम आके कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम एकदम सुहाना सा, और गर्मी नहीं थी यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि हम लगभग देहरादून के आसपास तक ही पहुँच चुके थे। और फिर हमने दोबारा से एक ब्रेक लिया, छोटी सी स्टॉल थी गाइस, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर दोबारा से थोड़ी बहुत चाय वगैरह ही पी थी।
हम बड़ों ने और बच्चों ने अपना कुछ खाने पीने के लिए ले लिया था, चिप्स वगैरह। और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम लोग आगे फिर यहाँ से दोबारा चल दिए थे। तो बच्चे काफ़ी यहाँ पे क्या नाम थक गए थे गाड़ी में, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए ही रेस्ट करा था। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून, और यहाँ पर लिया हमने दो रूम। तो एक रूम छोटा वाला लिया है, ये वाला, और ये देख लीजिए दो रूम लिए हैं गाइज, क्योंकि हम दो फैमिली गए हुए थे तो उनकी छोटी फैमिली थी तो उन्होंने छोटा वाला रूम लिया था। ये उनका बेटा है छोटा सा, और हमारी बड़ी फैमिली थी तो हमने बड़ा रूम लिया है, जो कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। ये वाला बड़ा वाला रूम, टू बेड वाला। तो यहाँ पर बच्चे काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। ये देख लीजिए हमारा रूम इस टाइप का है, और बच्चे एकदम घर की तरह ही इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। और ये वॉशरूम मिला था, अटैच था इसके साथ, अच्छा था ये रूम, मतलब सारे कमरे अच्छे थे गाइस यहाँ के। और तो गाइस हम लोग देहरादून पहुँच चुके हैं, और हम लोगों ने होटल वगैरह ये ले लिया है, रूम वगैरह, तो इसमें अब हम लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पे आके। खाना वगैरह इसमें नहीं था तो बाहर से लेकर आए थे, और बाहर से लेकर आए ये लोग दाल और चुरचुर नान जो कहते हैं वो थे, और तंदूरी रोटी थी, रायता था, और पनीर की सब्जी थी। ये दो तीन आइटम थे बस, क्योंकि बाहर से लेकर आए थे काफ़ी दूर से, होटल से बहुत दूर से, इस होटल में नहीं था तो इसीलिए खाली इसमें खाली रूम ही थे, तो रूम ही हम लोगों ने लिए। ये देखिए ये इधर जो लग रहा है दरवाजा, इसमें वॉशरूम है, और ये बच्चों का बेड है। इस दरवाजे के अंदर बेसमेंट है, बहुत नीचे तक है, घर है, बेसमेंट है, अलमारी है गाइस को। गाइस इस होटल का ना सबसे प्रीमियम रूम यही था जो हमने बुक करा। ये यहाँ पर एसी चल रहा है, ये पर्दे हमारे घर के जैसे ही है गाइस, जैसे मेरे पास है ये बेड। ये हमारी शैतान सो रही है, आइए इधर ये बच्चे। मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। और हमने चेंज वगैरह भी कर लिया है यहाँ पे, और अब हमारा सोने का टाइम हो रहा है। अब सो रही हूँ, अब सोने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह सो गई है, कम से कम एक बज गया है। और यहाँ हम 11 बजे करीब पहुँचे थे, फिर हमने खाना पीना खाया तो इसी में ज़्यादा टाइम बीत गया। और जो हमारे साथ आए हैं वो भी अपने रूम में चले गए हैं क्योंकि सब लोगों ने अपना अलग अलग रूम लिया है, और हमारा ये वाला रूम है। हमारी बड़ी फैमिली है तो हमें बड़ा रूम मिला है और जो भैया हमारे साथ आए हैं उनकी छोटी फैमिली है तो इसलिए उन्होंने छोटा रूम लिया है। तो चलिए गाइस अब आपसे सुबह मिलेंगे।